दिग्विजय सिंह ने मंच से बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लाडली बहना योजना कांग्रेस की घोषणा पत्र से चुराई गई योजना है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह मंडल सेक्टर कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे और नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए आज आगर मालवा जिले के सुसनेर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के कांग्रेस के घोषणा पत्र से चुराई है। अगर बहनों की इतनी चिंता थी तो 20 साल से योजना क्यों लागू नहीं की। प्रदेश में और कर्नाटक में हमारे घोषणा पत्र में इनको उनकी घोषणा के पहले हमने ये बात कर दी थी, तो उससे चुराई हुई योजना है। और हमारा उनसे ये प्रश्न है कि आपको अगर बहनों का इतना ही ख्याल था तो 2003 से अब तक आप 20 साल से किस बात का इंतजार कर रहे थे। केवल आपको धोखा दिया जा रहा है। हमारे शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता देने की बात, अरे 10 साल तक हमने 93 से लेकर 2003 तक जो शिक्षित बेरोजगार थे उनको हमने भत्ता दिया था, लेकिन अब आपको उनकी याद अब आ रही है। ये पूरे तरीके से झूठ बोलने वाली ये पार्टी है, इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है अब दृढ़ता से एकजुट होकर। लोगों के मैंने आज चर्चा सुनी है, सब लोगों ने एक बात कही है कि साहब इसमें एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी हो गई तो कभी कांग्रेस पार्टी हार नहीं सकती।